गले लगो गले लगो सुनो गले एक क्लिक में पेंचो की मैनेजमेंट संभाल चीकू के पापा खो गए हैं तो बाय बाय सब्सक्राइबर मिल गए हैं ऐसे यहाँ लगा दी छोरा हरियाणे का छोरा हरियाणे का भाई देख मेरा टोरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग कुछ इस प्रकार है कि हम लोग जा रहे हैं वापस घर, क्योंकि कल जो है कल कुछ स्पेशल है जो कि आपको मैं कल ही बताऊंगी। तो हम सब ने सारे रूम से चेकआउट कर लिया, जितना भी सामान था सारा लगेज था सारा का सारा सामान बाहर रखवा दिया। मैं अभी रूम में वेट करूँ क्योंकि पायल का जो फोन है वहाँ पे चार्ज हो रहा है। पायल के फोन में चार्जिंग नहीं है, ऐसे तो मेरे फोन में भी चार्जिंग नहीं है, मेरा फोन चीकू के पास है, पर पायल के फोन में व्लॉग अपलोड हो रहा है तो मैं उसका वेट कर रही हूँ। और मैं पीऊंगी लस्सी इसके बाद क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कॉफी पीने का। तो हमारे जो चिपकन है ना चिपकन, उसके नेल इतने बड़े हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आज मैंने उसको पकड़ा था, उसने मुझे नाखून मार दिए। तो दिल्ली कह रही हूँ, जीरकपुर जाते ही ना सबसे पहले इसके नेल्स ट्रिम कराऊंगी, बहुत तेज लग रही है क्योंकि ये क्या है पूरा का पूरा जबड़ लेता है, स्किन के अंदर नेल्स डाल लेता है अपनी। तो मेरा और पायल का और भाभी का जो सपना था, ड्रीम था कि हम लोग पूल में जाए, वो रह गया। हम पूल में रह जा नहीं पाए क्योंकि हम यहाँ पे 2 दिन के लिए थे, तो हमने जितना हो सके वीडियोस बनाई। तो पूल अभी खाली पड़ा है, मन तो बहुत कर रहा है पूल में जाने का, पर अब निकलने का टाइम, अगर पूल में जाएंगे फिर दोबारा नहाना पड़ेगा, बाल धोने पड़ेंगे, कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, वो कपड़े गीले हो जाएंगे, उनको पैक करो, तो बहुत ही बड़ा वो जाता है, टास्क हो जाता है। तो हम ये लोग सोच रहे हैं कि चीकू के बर्थडे पार्टी पे पूल पार्टी करें, तो मजा आएगा। चीकू के बर्थडे पार्टी में डिफरेंट सी पूल पार्टी करेंगे जिसमें सब आएंगे और फुल धमाका होगा। जाने का टाइम हो गया, हम सब बैठ के वेट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे पी रही नींबू पानी, भैया भी नींबू पानी, भैया पी रहे स्वीट लस्सी, भाभी नींबू पानी। पायल ने भी लस्सी मंगवाई थी बट स्वीट आई थी, तो पायल नहीं पीती स्वीट लस्सी, पायल पीती है सॉल्टेड। सॉल्टेड लस्सी मंगवाई पायल? नहीं मैंने मंगवाई। तो वैसे भी लंच का टाइम होने वाला है ना, लस्सी पीऊंगी भी नींद आएगी। पहले हम लोग भाभी लोगों के साथ फोटो खिंचवाते थे, हमें अच्छा लगता था, अब लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं तो एक चीज अच्छी लगती है कि भाई हमने इतनी मेहनत करी है कि लोग हमारे साथ फोटो खिंचवा रहे हैं ना। मेरे साथ भी करवाई। रो मत रो मत भैया, भैया चुप कराओ, गले लगो गले लगो। इम्पोर्टेंट आज के न्यूज पेपर में खबर देनी पड़ी। सही है नितिन भैया। अच्छा क्या बोले आपको चाचू चीकू के? चाचू कहना ही पता नहीं, इंग्लिश में कुछ बोल ले, बस मैं समझ गया था। एक क्लिक में कैन आई हैव सम फोटोज विद यू? आप समझ गए थे? हाँ, तो आपने क्या बोला? ओके श्योर, यस श्योर। लड़का था। तो बहुत ज्यादा है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही है। हम लोग अभी एसी में बैठे थे और अभी चीकू के पापा ने हमें बुलाया है, देखते हैं क्या करें। गाइस एक ट्राई हो जाए बहुत ही जबरदस्ती, हम लेके जाएंगे अंदर गाड़ी को और हमारे साथ हैं 2-3 लोग क्योंकि इसमें ज्यादा आते भी नहीं है। तो अभी हम बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, मतलब 2-3 दिन में सबसे ज्यादा एंजॉय आज करेंगे लग रहा है। ये कितने भी कॉटेज जो बन रहे हैं ये सब इसी प्रॉपर्टी के बन रहे हैं जहाँ हम लोग आए हुए हैं। तो हमारे पीछे भी हमारे साथ ही आ रहे हैं, देख सकते हैं आप। तो दूर दूर तक कॉटेजेस बन रहे हैं, बहुत ही सुंदर बनने वाला है आने वाले टाइम में ये। ओहो थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, ना मिट्टी उड़ेगी। तो अब जो है कच्चा रास्ता आ गया है, यहाँ पे मिट्टी उड़ने का पूरा खतरा है। आप बहुत अच्छा स्पीड से चला रहे हो, पर हम लोग इतने ज्यादा धुलंदर नहीं है, हम लोग छूट सकते हैं, गिर सकते हैं गुड्डू। और सबसे कोने पे मैं हूँ, देखो गोलू में तो आपको वैसे भी भरोसा बहुत है ना कि गोलू। ओहो यू टर्न आ गया। सारे पौधे गोलू के मुंह पे छूके जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है चपेड़ा मार रहे हैं। क्यों आए हो वहाँ पे? देखो भी हंस रहे हैं बेटा। ओहो ये बहुत ही खतरनाक सवारी थी, जंगल सवारी। हनुमान जी हमें गोलगप्पे खिलाने ले जा रहे हैं, है ना, तो बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं हम गोलगप्पों को क्योंकि बहुत दिन हो गए गोलगप्पे भी नहीं खाए। ओहो इसको ऊपर चढ़ाना बहुत ही मुश्किल है गाड़ी को। तो हमारी एक गाड़ी ये रही जो हमारे आगे आगे रहेगी और एक गाड़ी हमारी पीछे रहेगी। तो हमने गोलगप्पे जो है वो कैंसिल कर दिए, हमने सोचा गोलगप्पे नहीं खाने अभी। दीदी हवा चल रही है, क्या गोलगप्पे खाए, हमारा गोलगप्पे हमने मन में खा लिए। नहीं तो हमारे गोलगप्पे बन जाएंगे अभी। फाइनली हमारा एडवेंचर जो था वो खत्म हो गया, हम बैक अपने रिजॉर्ट पर आ गए, तो अब जाकर थोड़ी सी शांति आई है। रास्ते में हमारे जो सब्सक्राइबर मिल गए हैं और उन्होंने फोटोज के लिए रोका है, तो हम लोग रुक चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं सब सेफ फील करते हैं या नहीं। पायल चला रही है, गर्ल्स गैंग जा रही है और हमारे गर्ल्स गैंग की लीडर है पायल, जो हिप हिप फॉर पायल। चलिए पायल।
तो भैया हमारे जुनेद भाई ने एक बहुत ही जबरदस्त चिपकन को अपने साथ रखा और उन्होंने बोला मैं चाहता हूँ ये जब 10 किलो का हो तब मेरे पास आए। मैं इसको चाहता हूँ मैं भाई के पास इसको रखूँ, पढ़ाऊँ, इसको बड़ा करूँ, कॉलेज में एडमिशन कराऊँ, जब ये ग्रेजुएट हो जाए तो हमारे पास आए, पेंचो की मैनेजमेंट संभाले। तो भैया अभी गोलू और पायल गई है ड्राइव पे और मैंने उनको बोला भैया एक बीवी तो नीचे उतर जाओ, दोनों मत जाओ। कोई टेंशन नहीं है भाई, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, हमें पता है कि आपके साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। ये भैया आपको पहचान रहा है, ये मेरी दोस्ती, इसको पता है ना नौकरी लग गई। हाँ, ये अभी से इंटरव्यू ले रहे हैं कि भाई कुछ नहीं कर दोनों, बहुत ही अमेजिंग ड्राइवर से। मेरा और पायल का अच्छा सा लंच हो चुका है, कालू भैया पीछे है तो हम सबका लंच हो चुका है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हमने खाने के साथ, हम तीनों ने स्पेशली लस्सी पी ली पूरा भर के, तो अभी इतनी नींद आ रही है, इतनी नींद आ रही है, मतलब ऐसे लग रहा है जाने का टाइम है, सो जाओ। वैसे तुम गाड़ी में आराम से सो सकते हैं, ये सो सकते हैं, मैं नहीं सो सकता, बट गाड़ी में नींद नहीं आती पायल, है ना। तो हम खाना खा के आ गए, अब हम सोचे एक डेढ़ घंटा सो ही जाते हैं, जहाँ चीकू के पापा सोए थे उस हट में जा रहे हैं मैं और गोलू सोने। अभी हम चीकू के पापा को ढूंढ रहे हैं वाली कॉटेज में, जो कालू भैया वाली कॉटेज उसमें गए थे, वहाँ पे चीकू के पापा नहीं मिले, तो हम आगे बढ़ चुके हैं अपनी वाली कॉटेज पे, जहाँ पे मैं, पायल, मॉन्टी भैया और चीकू पहले जो थे उस वाली कॉटेज में जा रहे हैं। तो चीकू के पापा खो गए हैं। तो मैं और गोलू चीकू के पापा को ढूंढ रहे हैं। चीकू के पापा, चीकू के पापा, भैया आपने चीकू के पापा को देखा? अरमान मल्लिक को देखा? मम्मा, हाँ जी, 112 में, 105 में, 105 में, 105 में, क्या 105 का है पायल? तो सब इनको ढूंढ रहे हैं हम, सब बहुत सारे लोग आ गए आगे पीछे और चीकू के पापा को हम ढूंढ रहे हैं। यार सबसे अच्छा आइडिया दूं मैं, उनको फोन कर लो ना। अरे ये तो बहुत डिफरेंट कॉटेज में है। फाइनली चीकू के पापा मिल गए हैं और पायल मैं सारे के सारे जा रहे हैं, यश भैया वहाँ खड़े हैं। तो ये है बिल्कुल एंड वाली कॉटेज में, जहाँ पे हम कभी आए नहीं थे, हमने पर वीडियोस बनाई थी। यहाँ पर पूरा कॉटेज ढूंढ लिया आपने, मिल रहे थे। तो गाइस जाने का टाइम हो गया और बहुत ज्यादा मजा आया हमारे भाई जुनेद के साथ, और बाकी थोड़ा सा इंटरव्यू देंगी हमारी कृतिका एंड पायल मलिक। तो मैडम कैसा लगा आपको? हमें तो बहुत ही ज्यादा मजा आया और मैंने पहले भी बताया है कि जब भी हमें टाइम मिलेगा, मौका मिलेगा, हम दोबारा आते रहेंगे यहाँ पे। तो घर क्यों जा रहे हो आप? घर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि चीकू का रिजल्ट है मॉर्निंग में, इसलिए घर जाना जरूरी है, बट कोई बात नहीं, पास में ही ज्यादा टाइम मिलेगा, 2 घंटे में आ जाएंगे। कैमरा क्वालिटी बताओ आप कैसे लगा? कैमरा क्वालिटी भाई मुझे कॉम्प्लेक्शन हमेशा ही रहा है आपसे, कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके जैसा बन सके। बहुत स्मार्ट है और सारे भाई स्मार्ट है और सबसे छोटा मैं हूँ। आपके प्यार के लिए हम अपना थोड़ा सा हक जताने के लिए आपके ऊपर कुछ छोटी सी आपके लिए मोमेंट। तो भैया इसकी जरूरत नहीं थी, बाकी जरूरत तो कुछ नहीं भाई, मेमोरीज जो होती है ना प्यारे प्यारे लोगों के लिए, अच्छी अच्छी भाभियों के लिए। और हमारा प्यारा छोटा सा भतीजा चीकू, चीकू कहाँ गया? चीकू के लिए चॉकलेट्स, मोमेंट्स के लिए हमने चीकू को पहले ही भेज दिया था। चीकू पहले भेज दिया आपने? हाँ, क्योंकि मैंने सोचा चलो जाके थोड़ा आराम कर लेगा और बस अब ज्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, जाने का टाइम हो गया है और पीछे न्यूज रिपोर्टर हैं, ये हमारा कैमरा ताक रहे हैं कि ये कैमरा हमें लेना चाहिए या नहीं, है ना भैया। तो नमस्ते, आदाब, निकलते हैं, ठीक है दादा, चलो ध्यान रखो। तो बाय बाय फूडी राजपूत, मिलेंगे जल्दी। तो ये मुंबई जाएगा भैया, पहले यहाँ पर आके इसने पूरा मैनेजमेंट रेडी किया, उसके बाद मुझे कॉल किया, तब हम आए और अब हम निकल रहे हैं। अच्छा लगा ना आपको? अरे बढ़िया बढ़िया भाई, हो तो ऐसा। तो हम लोग घर आ चुके हैं और मैंने और गोलू ने पूरा चेंज वेंज कर लिए कपड़े, गोलू आटा गूंद रही है और मैं कर रही हूँ पूरा सामान सेट, जो सामान हम लेके गए थे वो पूरा इतना ज्यादा फैला हुआ है घर में आते ही, तो मैं सभी सेट कर रही हूँ। आधा सामान यहाँ पे है, आधा सामान ये पड़ा है, नितिन भैया के कपड़े और चीकू के कपड़े है, और बाकी जो है पूरा ड्राइंग रूम फैला पड़ा है जिसे मैं अभी सेट कर रही हूँ। तो गोलू यहाँ बना रही है पनीर और प्याज के पराठे सभी के लिए, क्योंकि सबको ही भूख लग रही है, और चीकू भी मेरी हेल्प कर रहा है। चीकू ने सारे जूते चप्पल रख दिए बेटे, वो रह गए देखो, ये रह गए और ये वाले रह गए, ये भी रख दो। तो चीकू मेरी हेल्प करा रहा है और नितिन भी अभी हेल्प करा रहा है। दोनों सेट किए अच्छे से? हाँ, पूरा सेट कर दिया, कपड़े डाल दिए इसमें। अब एक काम करो, ये लेके चलो उस रूम में, सारे काम कर रहा है चीकू आज, तो सारा इतनी हेल्प कर रहा है मेरी, डैकनिंग के सारे कपड़े डाले इसमें। एक काम करो, वो जो वहाँ पे दवाई गिरी थी मम्मी से, किचन में कपड़ा है ना गीला, हाँ, कपड़ा मैंने ले लिया, साफ भी कर दिया। नहीं, वो तो सूखे कपड़े से किया है, गीले कपड़े से साफ करो। मम्मी देते रहना, जो भी लपेटो, लपेटने क्यों, काम क्यों हो रहे आज बता तो दो, क्योंकि मम्मी की हेल्प करना चाहता है। अभी ये सोना नहीं चाहता, ऐसा कुछ नहीं है चीकू, ऐसे है नहीं चीकू, गोला डब्बा निकालो अंदर से। तो अभी जाके सारा जो सामान है मैंने और चीकू ने मिलकर सेट कर दिया है, और ड्रैकलिंग के जो कपड़े थे मैंने सारे निकाल दिए, तो ड्रैकलिंग वाला भी आ चुका है, उसी ने शायद बाल बजाई है। आज की टिप दे दो। हाँ, आज की टिप दे दो। टिप थोड़ी होता है, टिप होता है, टिप पॉकेट मनी बोलो। नहीं, जब सामान सेट करते हैं तो टिप बोलते हैं।
अच्छा ठीक है मैं आपको टिप देती हूँ। कितनी लोगे भाई साहब? 500 रुपए। इतना काम कर रहा है जब क्या है खुश जी इतना मेरे से बोल रहे हैं मम्मी टिप दे दो भैया। भैया मैंने चीकू को बोला था चप्पलें लगा दे, इसने देखो लाइन से यहाँ लगा दी। एक रुक तो जाओ चप्पल देखो इसने चप्पल लगाई है। सही सेट करिए। बढ़िया भाभी ये ऐसे यूज होता है वैसे आप गलत कर। ये क्या कर रहे अच्छा ये भी कराने हैं। तो हमने खाना वाना खा लिया है सभी ने और अब हम लोग जा रहे हैं मैं और गोलू नीचे वॉक करने। अरमान जी पहले ही वॉक करने चले गए हैं, हमारा थोड़ा काम बाकी था तो बर्तन वर्तन धो के सफाई वफाई करके तब झाड़ू पोछा नहीं किया तो हम लोग नीचे पहुंच गए हैं। अब पहले अरमान जी को ढूंढते हैं वो किधर वॉक कर रहे हैं। तो हम ढूंढ रहे थे अरमान जी को और भैया को और ये लोग थे गेट के बाहर, ये राजा रानी को घुमा रहे थे, अंडे खाने गए थे दोनों बच्चे। तो राजा रानी का पानी पूरा ध्यान रखा जाता है, वो पानी की बोतल साथ में लेके आते हैं। गुड़िया तो मेरे पे बैठी है, ये बहुत अच्छी शरीफ लड़की है, बहुत ही प्यारी बच्ची है। चलो राजा रानी ऊपर चलो। तो मैंने शांति को बोला था जाने से पहले, मैंने कहा जो भी फ्रिज में पड़ा हो ले जाइयो। तो ये दूध था 1.5-2 किलो दूध था, मैंने शांति को बोला था ले जाना, शांति नहीं लेके गई, ये फट गया है दूध। तो बाय बाय गाइज आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जाके सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय गाइज।